डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के काम कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी अनुपमा नमस्ते। राम सर हर हर महादेव। अच्छा, मुझे सर बताया मेरा गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप यस कैसे सर कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस में पावतपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साई इंस्टीट्यूट से ली गई है जो कि बसनी में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं यस सर सर और आपके साथ जो बुटीक दूसरी बहनें जुड़ी होंगी वो डिजाइनर हाँ सर होंगी। हाँ सर मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन हाँ, सर। ये पहले हम लोग क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिजाइन करते हैं सर। कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज करते हैं डिजाइन बना के। फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं। कपड़े पर डिजाइन बना के हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं सर। ये जड़ी की डिजाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है? सर 6 से 7 हजार रुपए हो जाती तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और ये टेक्नोलॉजी को अपनाया, आपको संतोष है? हाँ सर बहुत सर। मैंने काफी डिजाइन बनाए है सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा, और सर मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बनाए? सर पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डिजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए सब 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है अच्छा, तो सर। आप टाइम डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सेलिंग भी करते हैं। अच्छा, यस सर चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती हैं, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है। आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। सर